भारत में ऐसी कई ऐतिहासिक जगह हैं जो बेहद ही शानदार और घूमने लायक है। ऐसी ही एक जगह है एलिफेंटा केव्स, जिसका इतिहास बेहद शानदार है जो काफी कम लोग ही जानते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं पौराणिक देवताओं की काफी बड़ी और खास मूर्तियों के लिए विख्यात है। एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को ने 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल कर लिया है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एलिफेंटा केव से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। एलिफेंटा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह मुंबई शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर घारपुरी द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप अरेबियन सागर की टुकड़ी में बसा हुआ है। इसे मूल रूप से घारपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा को दो समूह में बांटा गया है, जिसका पहला भाग हिंदू धर्म से संबंधित है और दूसरा भाग बौद्ध धर्म से। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में 26 पिल्लर हैं, जिसमें भगवान शिव के कई रूपों को दिखाया गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि चालुक्य राजवंश राजकुमार ने जंग जीतने के बाद यहाँ भगवान शिव के विशाल मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन जब यहाँ पुर्तगाली आए तो उन्होंने पुरानी गुफाओं को तोड़ फोड़ कर यहाँ हाथियों की मूर्तियाँ बनवाई और इस गुफा का नाम घारपुरी से बदलकर एलिफेंटा कर दिया। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जिसे पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। इस गुफा में एक बड़ा हॉल भी है। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जो शंकर जी के अलग अलग रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती है। इनमें भगवान शिव की त्रिमूर्ति की प्रतिमा सबसे खास है। यह मूर्ति 24 फीट लंबी है। इस मूर्ति में भगवान शंकर के तीनों रूपों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस मूर्ति में शंकर भगवान के मुख पर अद्भुत गंभीरता दिखती है। दूसरी मूर्ति शिव के पंचमुखी परमेश्वर रूप की है, जिसमें शांति तथा कोमलता दिखाई पड़ती है। यहाँ पर एक और मूर्ति है जो शंकर जी के अर्धनारीश्वर रूप की है। इस मूर्ति में पुरुष तथा प्रकृति की दो महान शक्तियों को मिलाकर दिखाया गया है। यहाँ पर भगवान शिव को तांडव नृत्य की मुद्रा में भी दिखाया गया है तथा शिव एवं पार्वती की विवाह का भी सुंदर चित्रण किया गया है। इसी कारण अनेक लोगों के विचार से एलिफेंटा की मूर्तियाँ सबसे अच्छी तथा खास मानी गई है। तो अगर आप भी ये खूबसूरत जगह घूमना चाहते हैं तो यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी का माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम घूमने के लिए बिल्कुल अच्छा रहता है। और बात करें एंट्री टिकट की, तो भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपये, विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपये और 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है। तो गाइज, ये थे एलिफेंटा केव से जुड़ी सारी जानकारी। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल क्लियर है को सब्सक्राइब करें।